उत्तराखंड में तबाही के शिकार हुए लोगों की मदद के नाम पर हो रही राजनीति की हकीकत की तस्वीरें। उत्तराखंड में आई त्रासदी का आज 12वां दिन हो गया है और अभी भी लगभग 8000 लोग पहाड़ों पर फंसे हैं। सबसे ज्यादा 5000 लोग अकेले बद्रीनाथ में ही फंसे हैं और दुख की इस घड़ी में पूरा देश एकजुट होकर पीड़ितों की मदद कर रहा है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे नेताओं को इससे कहीं कोई वास्ता नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है। राहत और मदद का श्रेय लूटने के लिए नेता किस हद तक गिर गए हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसकी जीती जागती मिसाल है। सफेद धोती कुर्ता पहने हुए जो शख्स हैं वो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद वी हनुमंत राव, जबकि सफेद शर्ट पहने उनसे झगड़ रहे महाशय का नाम है रमेश राठौड़, जो कि आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद हैं। और ऐसे में हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त यह हंगामा हो रहा था उस वक्त टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी वहीं पर मौजूद थे। यह है त्रासदी पर सियासत की कड़वी हकीकत, यह है राहत के नाम पर राजनीति चमकाने की बदनुमा तस्वीर। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आपस में गुत्थम गुत्ता हो रहे ये लोग आंध्र प्रदेश की सियासत के बड़े नाम हैं। ये हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद वी हनुमंत राव और ये हैं तेलुगु देशम पार्टी के सांसद रमेश राठौर और के नारायणा। दरअसल उत्तराखंड में मची तबाही में आंध्र प्रदेश के सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों को उत्तराखंड से निकालकर आंध्र प्रदेश पहुंचाने के नाम पर वहां के नेता अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। मामला तब और बिगड़ गया जब टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू खुद देहरादून पहुंच गए। इसके बाद तो कांग्रेस और टीडीपी के नेताओं में श्रेय लूटने की होड़ मच गई, लेकिन मामला ऐसा बिगड़ा कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। राजनीति को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के वक्त टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ना तो अपने सांसदों को रोकने की कोशिश की और न ही हनुमंत राव को समझाने की। बात बिगड़ती देख एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर झगड़े को शांत कराया। अब दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। चंद्रबाबू को मैं बोला ना, मेरी पुरानी इंटीमेसी से मैं बात करा, मैं उसको कोई गाली नहीं दिया ना कुछ नहीं दिया। क्या बाबू ऐसा क्यों कर रहे, इतना सीनियर लीडर होके तुम्हारे लेवल को क्यों कम कर रहे, बोर्डिंग कार्ड क्यों छीन रहे, बोला लो मेरे ऊपर आए। ये दिस इज द रियल स्टोरी। ये लोग मंत्री लोग हनुमंत राव एमपी आके जबरदस्ती से पुलिस को लगा के उनको गाड़ी में चलाने काम कर रहा। हमने पूछा, अरे भैया आप यात्री को पूछो, हमारा कार्य है यात्री को घर तक पहुंचाना है, तुम लेके जाओ हम लेके जाओ, लेकिन यात्री चाहता है मैं विजय डायरेक्ट जाऊँ। झगड़े के दौरान चुपचाप तमाशा देख रहे चंद्रबाबू नायडू ने बाद में मुंह खोला और कांग्रेस पर आपदा की घड़ी में राजनीति करने का आरोप लगाया। जवाब में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी नायडू और उनके सांसदों को जमकर खरी खोटी सुनाई। रिस्ट्रिक्टेड अवर ड्राइवर व्हाइल कमिंग इन अ बस, दे स्टॉप्ड देम हियर, दे क्वारल्ड विद आवर एमपीस। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वी कंडम द इंसिडेंट, बट दिस शुड नॉट हैपन, इट इज नॉट गुड टेस्ट। वी हैव टू कम्पीट फॉर डूइंग गुड थिंग्स एंड आवर सर्विस टू द पीपल, नॉट फाइटिंग अमंग आवर सेल्व। ये मुनासिब बिहेवियर है? ये कोई ठीक है? ठीक भी कहां कहां तक हम गिर जा रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू जी का इतिहास है, इतिहास गवाह है कि ये कैसे इंसान है और क्या करते हैं। नेता चाहे जो दलील दे, ये तस्वीरें उन्हें बेनकाब कर रही हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि हमारे देश की राजनीति किस कदर गिर चुकी है, हमारे नेता कितने स्वार्थी हो गए हैं, जिन्हें बदहवास लोगों के जख्मों में भी वोट नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
वर्षत रुद्रप्रयाग पर मौजूद है हमारी सहयोगी मौसमी सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ है। मौसमी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की, बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें, किस तरह से सेवा करने में भी होड़ मची हुई है और ऐसे में जख्मों की राजनीति हो रही है एक तरह से। बिल्कुल पंकज, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरा इंसिडेंट। और जहां हम लोग को रिश्तेदारों के रात के 12-12 एक-एक बजे फोन आ रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, यहां पे पूरा एक तरह से ट्रॉमेटाइज्ड है, वहां पे इस तरह की तस्वीरें ना सिर्फ राजनीति को बेनकाब करती हैं बल्कि सब राजनीतिज्ञों के लिए ये एक आईना है, ये एक चेहरा है कि वो कोई अपने बारे में गलत फहमी ना रखे। उत्तराखंड पे सब पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो जितना कंडेम कर ले इंसिडेंट को, या कांग्रेस हो या टीडीपी हो या कोई भी पार्टी हो, सब राजनीति कर रहे हैं। उनको जो विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके जख्मों के बारे में कोई चिंता नहीं है। और ये एक तरह से पूरा उनका आईना है कि किस तरह से राजनीति जो है वो छिछोरी हो गई है। बेहद शर्मनाक की तस्वीर है पंकज, यहाँ पे रिश्तेदार दर बदर भटक रहे हैं और वहां पे आप इसमें अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। यानी कि कौन ले जाता है रिश्तेदार को, चाहे वो टीडीपी ले जाए या कांग्रेस ले जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो विक्टिम्स आ रहे हैं उनकी तबीयत खराब है, उनकी बॉडी कमजोर हो चुकी है, मेंटली डिप्रेस्ड है, उनको आप खड़ा करके ये तमाशा दिखा रहे हैं, मतलब बेहद निंदनीय है ये पूरा इंसिडेंट। बिल्कुल, तो कांग्रेस और टीडीपी के सांसद चंद्रबाबू नायडू की भी वहां मौजूदगी और किस कदर वहां पर सेवा करने के चक्कर में भी ये होड़ मची हुई है, यानी जख्म जो लोगों को मिले हैं उसकी उन्हें परवाह नहीं है, उस केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं।